एक गरीब आदमी 50,000 रुपए तक कैसे कमा सकता है प्रति महीने में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वह हर एक गरीब भाइयों का एक तरीके से ध्यान उस तरफ आकर्षित करने जा रहे हैं जिस तरफ वह एक तरीके से 50,000 रुपए तक प्रति महीने का इनकम कर सके। दोस्तों ये आज का जो वीडियो है यह काफी ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा नॉलेज वाला है। अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से अगर आप समझेंगे तो आप निश्चित ही दोस्तों पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो गांव में रहते हैं या शहर में भी रहते हैं लेकिन दोस्तों 5,000-10,000 या एक तरीके से 15,000-20,000 रुपए लागत में अपना, मतलब इतना लागत का मतलब पैसे इकट्ठा करके किसी बिजनेस की तलाश करते हैं, किसी व्यापार की तलाश करते हैं और उसमें सोचते हैं कि कम से कम यार कुछ नहीं तो 30,000-40,000-50,000 रुपए के आसपास कमाई किया जा सके। दोस्तों वह लोग जो हैं उस प्रकार के सोचने वाले अगर कोई गरीब भाई हैं तो दोस्तों यह वीडियो उन लोगों के लिए मैं आज ये बना रहा हूं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं, समझते हैं तो आपको कुछ न कुछ नॉलेज आपको जरूर मिलेगा इस वीडियो से। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिएगा ताकि आपको अच्छी जानकारी और पूरी जानकारी मिले ताकि आप किसी कंफ्यूजन में ना रहें। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर आप किसी ऐसे बिजनेस को शुरू किए हुए हैं या शुरू करना चाहते हैं, आपके मतलब मन में कोई इच्छा है या कोई आवश्यकता है किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने बिजनेस से जुड़े प्रश्न आप पूछ सकते हैं। मैं आपके उस प्रश्न का इस एक तरीके से पूरे रिसर्च के साथ जवाब दूंगा कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो हो सकता है और आपको क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, मतलब बदलाव करना चाहिए। दोस्तों ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ पूछते हैं या चाहे तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो सीधा सीधा कॉन्टेक्ट नंबर है, उससे आप बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत से लोग यह बात कहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कहते, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। मैं चाहे कितना भी आपको बना करके बात कहूं लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अगर सभी लोगों को कहा जाए कि 50,000 रुपए महीना कमाए तो सभी लोग नहीं कमा सकते, यह भी एक सच्चाई है, मानना चाहिए हर एक व्यक्ति को। लेकिन दोस्तों यह भी सच्चाई से बिल्कुल कम नहीं है कि हर एक व्यक्ति नहीं कमा सकता, लेकिन जो उतना कमाना चाहे, जो प्रयास करे दोस्तों वह जरूर कमा सकता है 50,000-1,00,000 रुपए महीना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रयास और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दोस्तों ये तो एक अलग मैटर हुआ, लेकिन हमारा आज का जो बिजनेस है इसके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है जो कि मैं आपको आज एक तरीके से आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं कि कैसे इस समय के जमाने में 2024 में या अभी जो यह समय चल रहा है इस समय में ट्रेंडिंग कौन सा बिजनेस है जिस बिजनेस को व्यक्ति शुरू करके पैसे कमा सकता है। दोस्तों ये बिजनेस एक ऐसा चीज है इसमें कोई एक तरीके से गारंटी नहीं कोई दे सकता कि आपका बिजनेस 100% चलेगा ही चलेगा। बिजनेस एक तरीके से संभावनाओं का चीज है, संभावनाओं पर व्यापार चलता है या संभावनाओं पर अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज चलता है। तो दोस्तों इसमें किसी भी चीज की कोई लिमिट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो जैसे मानव जीवन का कोई गारंटी नहीं है कि कब यह शरीर एक तरीके से सजीव शरीर निर्जीव में बदल जाए या कब कौन सा दुर्घटना हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों बिजनेस भी होता है या कोई भी ऐसा चीज होता है जिसकी कोई अगर कहा जाए कि वह अमर है या उसकी गारंटी है, तो दोस्तों गारंटी तो बेशक आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे प्रोडक्ट है जो कंपनियां भी गारंटी देती हैं कि इतना दिन का गारंटी है, वारंटी है। लेकिन दोस्तों अगर सही मायनों में देखा जाए तो हर एक चीज नश्वर है और नश्वर जीवन में किसी भी चीज की गारंटी नहीं कही जा सकती। यह संभावनाओं से जुड़ा हुआ जीवन
यह हर एक चीज संभावनाओं पर है, उम्मीद पर है, बाकी इसमें देखिएगा तो सब नश्वर ही है। जिस तरीके से व्यक्ति अगर दाढ़ी बनाता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि दोस्तों ये दाढ़ी बनाने पर कट कहीं नहीं लगेगा, ठीक उसी तरीके से दोस्तों यह बिजनेस भी ऐसा ही होता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आपका बिजनेस 50,000 रुपया महीना कमा करके ही देगा, उससे कम भी कमा सकता है, उससे भी कम कमा सकता है और हो सकता है कि नहीं भी कमा सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह सभी लोगों का बिजनेस नहीं चलता है या सभी लोग उतना नहीं कमाते हैं, ये बात एक अलग बात है। लेकिन दोस्तों यह संभावनाओं से जुड़ा हुआ है, हर एक व्यापार जो होता है वो संभावनाओं पर ही होता है। दोस्तों हमारे शास्त्रों का भी कहना है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देव न जानी, मतलब एक तरीके से पुरुष का जो भाग्य है वह भी एक तरीके से कब बदल जाए कोई नहीं जानता, और स्त्री का चरित्र जो है यह पुरुष कभी नहीं पूरे तरीके से जान सकता। तो दोस्तों बस यही कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो वही उदाहरण व्यापार में भी होता है कि यह भी अगर कहा जाए कि ये मैं व्यापार शुरू कर लिया और यह व्यापार चलता ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा ये चलता ही रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, तो दोस्तों ये गलत होगा। लेकिन फिर भी बहुत से मान लीजिए कि व्यूज लाने के लिए लोग वीडियो बनाते हैं और हम भी बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो हम बताते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताते। दोस्तों जो आज का व्यापार है एक तरीके से वह 3,000 रुपए लागत में व्यक्ति चाहे तो शुरू कर सकता है और उससे 50,000 भी कमा सकता है और 20,000 रुपए भी कमा सकता है, 10,000 भी कमा सकता है, उसके मेहनत और पराक्रम के ऊपर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति कितना पैसा कमाएगा। दोस्तों इस समय अगर मैं गांव में रहता हूं तो यहां का एक ट्रेंडिंग बिजनेस बता रहा हूं जो कि ज्यादा दिनों तक अगर देखें तो नहीं चलता है, लेकिन यह सालों सालों तक इसकी डिमांड बनी रहती है। अभी के समय में मैं बात बताऊं, इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो बहुत आसानी से लोग 15 रुपए किलो खरीद करके, ध्यान दीजिएगा 15 रुपए किलो खरीद करके उसको 30 रुपए किलो बेच रहे हैं, ना ही कुछ उसमें बनाना है और ना ही कुछ बदलाव करना है, खरीदना है और उसको उस एरिया में ले जाकर के बेचना है जहां इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। यह गांव का एक तरीके से व्यापार है और गांव में ही इसका डिमांड भी है, शहर में तो डिमांड होता ही होता है लेकिन शहरों में ये रॉ मटेरियल बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए मैं गांव में रहता हूं तो गांव में इस समय का ट्रेंडिंग बिजनेस बता रहा हूं। वैसे तो अनेकों प्रकार के व्यापार हैं लेकिन इस समय का ट्रेंडिंग बिजनेस कच्ची हल्दी का बिजनेस। अब देख आप सोच रहे होंगे कि यार देसी हल्दी तो सुना है, कच्ची हल्दी क्या होती है? दोस्तों इसके बारे में भी आप थोड़ा समझिए। हल्दी दो प्रकार का होता है हमारे यहाँ, एक जो हिरोट होता है जिसमें ज्यादा पीलापन नहीं होता और एक जिसमें ज्यादा पीलापन होता है जिसको देसी हल्दी कहा जाता है। दोस्तों उसमें एक तरीके से हल्दी की मात्रा भी ज्यादा निकलती है और एक तरीके से जो हिरोट होता है हमारे यहाँ, मतलब हिरोट कहा जाता है, लेकिन उसको हो सकता है कि आपके एरिया में कुछ और कहा जाए, जो उतना ज्यादा लाल नहीं होता या कलर में नहीं होता, जो फीका होता है, दोस्तों उसमें कम हल्दी तैयार होता है पाउडर। तो दोस्तों जो कच्ची हल्दी होती है यह एक तरीके से खेत से निकाला हुआ कच्चा मटेरियल होता है और दोस्तों इसी का व्यापार करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप गांव में रहते हैं तो इसका व्यापार बहुत ही इस समय काफी ज्यादा डिमांड है और बहुत सस्ते कीमत में उस एरिया से खरीद सकते हैं जहां पे इसकी खेती लोग करते हैं, 15 रुपए किलो आराम से खरीद सकते हैं, 20 रुपए किलो भी खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता है ना कि यह उन जगहों पे जब ले जाकर के बेचेंगे जहां पे लोग इसकी खेती भी नहीं करते और वहां खेत भी नहीं है, लेकिन हल्दी की पाउडर बनाना या हल्दी पिसाना, हल्दी सब्जी में डालना, हल्दी की आवश्यकता हर एक परिवार में है, जहां भी खाना लोग रसोई बनाते हैं दोस्तों वहां हल्दी की आवश्यकता हर जगह होती है। तो गांव में ऐसा होता है ना कि गांव में लोग क्या करते हैं कि जैसे पाउडर अगर आप खरीदने जाएंगे पाउडर हल्दी 1 किलो तो लगभग 200 से 250 रुपए प्रति किलो मिलेगा, चाहे गांव में आप खरीदिए या शहर में खरीदिए, अगर 1 किलो या 100 ग्राम उस कीमत के अनुसार आपको फुटकर में मिलेगा। तो गांव में लोग ये काम करते हैं, जिन लोगों के पास मान लीजिए हल्दी खेती नहीं करते हैं या खेत नहीं है, जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं, गांव में भी लोग नौकरी वगैरह करते हैं, स्कूल वगैरह चलाते हैं, तो सभी लोग वह खेती नहीं कर सकते, और सबसे खास बात है जिनके पास खेती भी होती है लेकिन खेती जो हल्दी तैयार कर सके उस प्रकार की अगर मिट्टी नहीं होती है तो भी वह लोग एक तरीके से हल्दी उगा करके नहीं
हेल्दी खरीद करके खाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि किसान अगर अनाज उगाता है तो किसान अनाज खरीदता नहीं है। दोस्तों सभी किसान अनाज उगाते हैं तो सभी किसान बेच नहीं सकते। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीन भी कम है, तो दोस्तों वह भी किसान ही हैं, लेकिन वह भी अनाज खरीद करके ही खाते हैं। दोस्तों ये एक तरीके से मैं गाँव की जो 10% भी नहीं कहा जाए, मुश्किल से गांव की जनसंख्या के अनुसार 1% लोग ही होंगे जिनके पास ज्यादा जमीन होगी। मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूं, अन्यथा दोस्तों बहुत 99.9% लोग ऐसे हैं जिनके पास जो गरीब किसान ही है। तो दोस्तों यह भी बात जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी किसानों के पास जमीन थोड़ा बहुत तो है, लेकिन मिट्टी उस प्रकार की नहीं है जिसमें लोग हल्दी उगा सके, तो उनको भी हल्दी खरीद करके ही खाना होता है। तो गांव में ऐसा होता है कि जैसे पाउडर लोग नहीं खरीदते, उनको थोड़ा महंगा पड़ता है पाउडर, तो इसलिए दोस्तों क्या करते हैं लोग कि कच्चा हल्दी खरीदते हैं जो हल्दी के व्यापारी होते हैं उनसे। तो दोस्तों मैं आपको व्यापार करने के लिए कह रहा हूं कि आप उस एरिए से रॉ मटेरियल खरीदिए, कच्चा हल्दी खरीदिए, जिससे आपको एक तरीके से दूसरे एरिया में ले जा करके डबल कमाई हो सके। तो दोस्तों इस तरीके से लोग कमाते हैं, आप ये व्यापार शुरू कर सकते हैं, अन्यथा आप अनेकों प्रकार का व्यापार है आप कर सकते हैं। मैंने जो अभी के समय में गांव में ट्रेंडिंग व्यापार है उसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।